तो मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हेलो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉप 9 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंस है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। यह एग्ज़ाम SSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या रेलवे हो सकता है, बैंक हो सकता है, या फिर सभी एग्ज़ाम के लिए वन वर्ड, जहाँ जहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनी थिंग्स। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनी थिंग, तो इसका सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सिन, साइनिक। साइनिक का मतलब होता है दिग्भ्रमित। क्या होता है? दिग्भ्रमित। निंदक, निंदक कह सकते हैं, निंदक। दिग्भ्रमिक, दिग्भ्रमिक कह सकते हैं, निंदक कह सकते हैं, और भी बोल सकते हैं, जैसे मैं दिग्भ्रमिक हुआ, निंदक हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है A test in which cells from diseased organ are removed and tested। तो इसको क्या कहते हैं? बायोप्सी। बायोप्सी इसी जिसको कहते हैं जीवित परिशिक्षा। मतलब इसमें थोड़ी सी कोशिका को लेकर प्रशिक्षण किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन्स हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट। तो इसका सही आंसर है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब होता है धोखेबाज, और ढोंगी भी बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन्स हु राइट्स डेकोरेटिवली। तो इसको क्या कहते हैं? जो डेकोरेटिव लिखे उसे कैलीग्राफर कहते हैं। कैलीग्राफर क्या होता है? समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप। खुशनविश कह सकते हैं, खुशनविश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इन ए थ्रेटनिंग मैनर। तो इसका सही आंसर होगा टेरिबली। ट्रेवली का हिंदी अर्थ है भयंकर रूप से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्टेनिंग टू कैटल। तो इसका सही आंसर है बोवाइन। बोवाइन मतलब पशुओं से संबंधित है, पशुओं से संबंधित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्सन्स हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट। तो इसको क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। इसके इंसॉल्वेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना कर्ज उतारने के लिए पैसा नहीं हो, जिसको दिवालिया बोलते हैं। ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्ड्स अटर इम्पियसली अबाउट गॉड। तो इसका सही आंसर है ब्लेसफेमी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोज हु गो ऑन टू समवन एल्स लैंड विदाउट द, यहाँ पर छूट दिए हैं, विदाउट द ऑनर्स परमिशन। इसके बाद होगा OWNER ऑनर परमिशन MISSION परमिशन। तो इसका सही आंसर होगा इसको सही लिखेंगे those who go on to someone else land without the owner's permission। तो इसका सही आंसर होगा ट्री, TRE, ट्री, ट्रेस, ट्रेस पासर, PASSERS। तो इसी तरह के और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आते रहिएगा। धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।